मौका भी उन्होंने दिया है और अपील भी उन्होंने सुनी है और उसके बाद निगरान जज भी वही बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर को फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए इलेक्शन अनाउंस करके। ओपोजिशन लीडर खुशी चाक नहीं होना, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करें। नैब चेयरमैन से डिमांड करता हूं पाकिस्तानी होते हुए कि इनको अभी सीएल पे डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पिछले दो तीन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तरफ सेनेट के अंदर तरमीम आ गई जो कि मंजूर भी हो गई कि नाअहल शख्स जो है वो अपनी पार्टी का सरबराह बन सकता है, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला किया। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ। जबकि इससे पहले जबकि पानामा का मामला चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सूट करता था कि वो फ्रेश इलेक्शन में जाएँ, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये मुतालबा नहीं किया। अब अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और अब जबकि खान साहब डार साहब आज गए हैं, उन पर फर्दे जुर्म भी आयद होने वाली है जो कहा जा रहा है, और अगर मियां साहब जाते हैं और उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो आप जान सकते हैं कि जेल के अंदर या गिरफ्तार नवाज शरीफ जो हैं वो कितने खतरनाक साबित होंगे और उसके क्या नतायज होंगे या कितने सूदमंद साबित होंगे या सिस्टम को क्या नुकसान पहुंचेगा या फायदा होगा, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और फिर कुछ हम बात करेंगे मॉडल टाउन के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर या तो प्रेशर बढ़ रहा है या उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उसके क्या सम्राट हैं, मना के ले आए हैं शहबाज साहब मियां साहब को वापस, लेकिन निसार साहब ने जो उनसे मुलाकात की है उस एजेंडे के ऊपर कौन था, क्या यह एजेंडे पे था कि अब पार्टी चलेगी माइनस मरियम या कुछ और था। हमारे साथ बहुत ही मोतबर पैनल है, हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने माने नाम हैं, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ है जनाब सरदार याकूब नासिर साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायम मकाम सदर हैं, और इनसे पूछेंगे कि अब इनकी पार्टी के नए सदर मियां साहब ही होंगे या कोई और। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जायद हुसैन साहब मारूफ तजिया निगार, कॉलम निगार, सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर नुमान वजीर साहब, अगेन एक बहुत ही मोतबर नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेनेटर हैं, और इनके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे और इनसे भी पूछेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से, और हाल ही में जो सेनेट में तरमीम के हवाले से कुछ मामला सामने आए हैं जिसने चौंका दिया है पाकिस्तान की सियासत को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सर पहले तो बुखारी साहब आपसे शुरू करती हूँ, इसलिए कि आप चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, जो सेनेट में हुआ है पिछले तीन दिनों में उससे तो साफ जाहिर हो गया कि पीएमएलएन बड़ी स्ट्रांग पोजिशन में, ऐसा कुछ भी चाहे कहीं भी चाहे हो सकती है, और अब उसका यह है कि मियाँ साहब भी अब सदर होंगे। देखिए जी, अभी ये जो लॉ जो इलेक्शन एक्ट बनाया गया है, जो बिल टेबल हुआ नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में वो पास हो गया और फिर वो ट्रांसमिट हुआ सेनेट में, और अंडर द रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसने आना था, और उसको ऑर्डर ऑफ द डे पे वो फ्राइडे के लिए था। बिलाशुबा सेनेट में अपोजिशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ट्रेजरी बेंचेस से, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, MQM है, ANP है, तहरीके इंसाफ है और PMLQ है, तो इनकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा थी, और सिंपल लेजिस्लेशन में भी इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो मेंबर्स हाज़र होते हैं जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है जो मेंबरान मौजूद होते हैं हाउस में। तो उसमें प्राइमरीली जब बिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो उसका नोटिस, टू डेज का नोटिस तो ज़रूरी होता है ऑर्डर ऑफ द डे आने पे, और मेंबर को सर्कुलेट हो जाता है बिल, और उस पर जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी जो प्रपोज करना चाहता है तो वो भी सेक्रेटरीट के पास चली जाती हैं, और फिर टेकअप होती है ऑर्डर ऑफ डे। तो ये जो लॉ है प्राइमरीली ये बहुत सारे, ये बड़ा कंसोलिडेटेड लॉ है रिगार्डिंग इलेक्शंस, इलेक्शन डिस्प्यूट, इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल इसको कहा गया, ठीक। और इस पर वो पुराने जितने लॉज हैं, पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सारे बहुत सारे लॉज हैं, ये सारे इस लॉ के जरिए रिपील हो रहे हैं, ठीक। अब इसमें जहाँ पे बाकी और प्रोविजन थी, एक प्रोविजन जो पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो 2002 का,
वो ऑलमोस्ट मुशर्रफ के जमाने का, हाँ जी 2002 में वो आया था, और जिसके तहत 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के हुए, 2013 के इलेक्शन, ये सारे इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, ये डील करता है पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप और एनलिस्टमेंट के हवाले से, और उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, और इसके जो अकाउंट्स की फर्निशिंग होती है, ये सारे डील करता है। उसमें ये प्रोविजन भी थी जो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, कि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफिस बेरर वो बन सकता है जो एलिजिबल हो, जो क्वालिफाइड हो टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ना अहल ना हो, जो डिसक्वालीफाई ना हो या क्वालिफाई करता हो, ये प्रोविजन थी उस पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में। लेकिन ये इस लॉ के तहत बाकी सारा उसको रिटेन किया गया, तो ये प्रोविजन जो है उसको डिलीट कर दिया गया। और जब ये लॉ पास हो जाता तो प्रीवियस लॉ उसने रिपील हो जाना था, तो वो जो शिक थी या वो प्रोविजन थी वो इनफील्ड ना रहती, वो ऑपरेटिव ना रहती, अब नया लॉ ऑपरेटिव होता। तो उस पे अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डाली, और प्रोबेबली शिबली फराज साहब ने भी, और उन्होंने भी, और ये डाली कि नाहेल जो है वो अपनी अपनी पार्टी का सरबरा नहीं हो सकता, उसको बरकरार रखा जाए, उसको उसको वो अमेंडमेंट ये थी, अगर ये पास हो जाती सेनेट से तो उसको फिर वापस नेशनल असेंबली में जाना था, सही, और फिर नेशनल असेंबली अगर वो डिसएग्री करती तो ज्वाइंट सेशन होता, तो उसमें प्रोबेबली नून को, पीएमएलएन को वहां पे वो नेशनल असेंबली में ज्वाइंट सेशन में उसको पास करवा लेते, उनके पास स्ट्रेंथ इतनी थी। लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात वाजे होगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हकीकी मानों में अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती हैं, अपोजिशन करती हैं, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज मामलात को तय कर लेती। और इस पे बहुत बड़ा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आया, उन पे भी आ रहा है, एमक्यूएम पे भी आ रहा है, और एक्सपोज हो गया ना सारा कुछ, और फ्यूचर पार्टी, तो एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वहां पे मौजूदगी है और जो लॉ उन्होंने अपोज किया, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की, तो जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में अपोजिशन। अच्छा, अब मैं क्विकली नुमान साहब आपके पास आऊंगी। सेंटर साहब, आपको शोकॉज नोटिस आपकी पार्टी ने जारी किया है कि आपने, आप वहां मौजूद थे यानी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर थे लेकिन आपने वोट नहीं किया। सर, आपको सुना नहीं गया, आपसे वाकई आप वहां नहीं गए, या आपको बुलाया नहीं गया, या आपको पता नहीं था अमेंडमेंट आने वाली है या इसके ऊपर वोटिंग होने वाली है, क्या सूरत हाल थी? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। इस तरह है कि जी, मेरे ख्याल में पीटीआई वाहिद पार्टी थी जिसके 7 में से 6 लोग मौजूद थे, और बाकी सारी पार्टीज में 1 से ज्यादा, किसी में 5, किसी में 8 लोग मिसिंग थे, जो आए ही नहीं थे। सुबह सवेरे सेशन जब स्टार्ट हुआ तो सारे 6 हमारे पीटीआई वालों ने यकजहता सारी चीजों को, जो अपोजिशन के साथ मिलकर हमने अपोज किया, इस बिल को भी अपोज किया, और मैं और बाकी पीटीआई वालों सब ने वोटिंग इस तरह करते रहे। सेक्शन बिल जब एक्सेप्ट हो गया सेनेट के अंदर, फिर क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है, उस पर क्लॉज 60 पर जब हम पहुंचे, जो इसके बारे में है वेल्थ टैक्स के बारे में, उसके अंदर पीटीआई का हम लोगों का एक व्यू था कि जी वेल्थ टैक्स के अंदर आप अपने स्पाउस या बीवी या हवन स्पाउस का और डिपेंडेंट बच्चों का भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है। इस पर वोटिंग हुई, इस पर वोटिंग हुई, और हमने, मैंने अपनी तकरीर में और आजम स्वातीन, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया कि हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि करप्शन जब भी होती है तो कोई अपने नाम पर नहीं रखता, पॉलिटिशियन वो अपने बीवी बच्चों या बेनामी के नाम रखता है। हम ये चाह रहे थे कि ये इंक्लूड हो, उस पर वोटिंग हुई और हमें सपोर्ट किया पीएमएलएन के अपने 2 मेंबर्स ने, उन्होंने भी सपोर्ट किया, एंड वी वन दिस थिंग। उसके जीतने के 15 मिनट बाद जायद हामिद साहब लॉ मिनिस्टर खड़े होते हैं, कहते हैं जी वो जो पहले वोटिंग हुई थी उस पर मैंने कुछ बात करना चाह रहा था, ये फिर उसका मौका दिया जाए और फिर वोटिंग की जाए। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान छोड़े दुनिया में, कि फिर उस पॉइंट पर वोटिंग की जाती है कि जी आप क्या होते। हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया, लेकिन बहरहाल जो भी था उसको वोटिंग कराई गई। और ये अफसोसनाक बात क्या होती है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के 3 लोग हमारे अगेंस्ट वोट देते हैं, अपोजिशन वालों के सारे 3, और सीनियर लोग, 3 सीनियर लोग फारूक नायक के साथ 2 और लोगों ने अगेंस्ट दिस अपोजिशन के खिलाफ गवर्नमेंट का साथ दिया, और इधर से जो है ना वो अपोजिशन में स्प्रेड शुरू हो जाती है कि जहां हमें फील होता है कि हमें सपोर्ट ही नहीं करे। बहरहाल वो आगे चलता रहता है, और फिर एक फैसला रजा रबानी साहब चेयरमैन कहते हैं कि मैं प्रिसाइड ही नहीं करता ये मीटिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस की जी रीवोटिंग की रीकाउंटिंग ये कहीं होता नहीं है इस तरह, रीकाउंट तो वो रिफ्यूज करते आने के, हाउस सस्पेंड कर दिया जाता है, और आप आधे घंटे के लिए सस्पेंड रहता है। इन द मीन जी सर, मैं वहां मौजूद हूँ, मैं सुबह सुबह से लेकर सारे दिन मौजूद हुआ,
जुमे की नमाज तक मैं जब लंच ब्रेक होता है उस वक्त मौजूद हूँ। जुमे की लंच ब्रेक से आधा एक घंटा पहले ये फैसला होता है कि हम वॉकआउट करेंगे अगर रजा रबानी नहीं आएंगे सेनेट के अंदर। रजा रबानी साहब नहीं आते हैं, अबूर हैदरी साहब आते हैं प्रोसाइड करने के लिए। वो प्रोसाइड करते हैं जिस तरह पहले अपोजिशन ने फैसला किया था, आजम स्वाति उठा, शिबली फराज और मैं, हम तीन लोग पीटीआई वालों ने, और किसी ने नहीं बोला। हम तीनों ने बोला कि ये इस तरह जो है ये रिकाउंटिंग गलत, ये फलाना फलाना, और हम वॉकआउट करते हैं साथ। क्योंकि पहले सबका फैसला होता पीपल्स पार्टी वाले, सब वॉकआउट किए और सब बाहर बैठे रहे। ठीक, ये कोई आधा घंटा 45 मिनट सब बैठ रहे। जुमा प्रेयर्स नॉर्मली जुमा प्रेयर्स के बाद एडजॉर्न हो जाता है, मंडे के लिए सेशन चला जाता है। तो आप इस गलतफहमी में रहे कि ये प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है सर, तो आप उसमें रहे लेकिन आपको नहीं चलेगा। ठीक, आप चले गए और उसके बाद सारे चले गए, तरमीम हो गई, सारे लोग चले गए। फिर जब उसके मतलब लंच के बाद कुछ अरसा बाद फिर सेशन, पता नहीं हाउ कम हु डिसाइडेड किया। बेहद अफसोस है, इंटरेस्ट, अगर मुझे पता होता ये फिर शुरू होने वाला है लंच के बाद। आप आते, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट आपने, मैं इससे पहले के सरदार साहब के पास आऊं, ये जायद साहब आपने सुना कि ये डिपिक्ट कर रहा है पूरी सिचुएशन को। बुखारी साहब कह रहे हैं हम जेन्युइन अपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि नहीं उनके तीन लोगों ने वोट किया, फारूक नाई साहब का नाम लिया नोमान साहब ने, नोमान वजीर साहब को गलत फहमी हो गई लेकिन वो नहीं थे। ये तो सदर बन गए ना अब मियां साहब। इस पे एक क्लेरिफिकेशन, वोट वाली यू है ना जी, वो किस मोशन पे वोट किया सर? मतलब मैं तो मौजूद नहीं था। एक तो इटसेल्फ बिल है और जब क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग है तो एवरी क्लॉज पे देयर इज अ वोटिंग। उस पे कोई फ्रेश मोशन मूव हुआ? एतजाज साहब ने मोशन नहीं किया उस वक्त, नहीं किया। अभी क्लेरिफिकेशन है, नौमान वजीर बहुत बेहतर बता सकेंगे कि जिस वोट का ये जिक्र कर रहे हैं अगर तो वो अमेंडमेंट पे है जो सेक्शन 203 पे है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई इसके अलावा कोई मोशन मूव हुआ और जिस पे रीवोटिंग थी, रीवोटिंग का कोई मोशन मूव किया और रीवोटिंग पे उन्होंने साइड पे वोट दिया वोट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि जो सेक्शन 203 जिस पे अमेंडमेंट इतजाज लाए थे उस पे वोट तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरों ने उस अमेंडमेंट के हक में दिया। ठीक, अच्छा मैं इस पे क्लेरिफिकेशन लेती हूँ, लेकिन जायद हुसैन साहब आपने पूरा देखा है 3-4 दिनों से, आपको क्या समझ में आया सर? मुझे एक तो ये था आसान लफ्जों में अवाम के लिए दो चीज बहुत, हाँ, एक तो ये था कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो है अपोजिशन बिल्कुल ही जो है डिस्पर्स थी, उसमें कोई वो बन के नहीं आती थी, थोड़ी बहुत चीजों पर इत्तेफाक था और इसी का फायदा जो है मुस्लिम लीग नवाज ने उठाया है। लेकिन कन्फ्यूजन जो है उसमें काफ़ी मुझे नज़र आती है, और जैसे ये वजीर साहब ने कहा और फिर जो है नईर भाई साहब ने कहा कि मसला ये आता है कि ये किस तरह से वोटिंग हुई। मुझे भी क्योंकि पहले जब मैं खबर सुन रहा था तो उस वक्त ये था कि रजा रबानी साहब ने बायकॉट कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा काउंटिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। तो जब ये होता है तो दोबारा काउंटिंग हुई कैसे, जबकि ये अनप्रेसिडेंटेड है? यही तो नुमान वजीर साहब बात कर रहे हैं, ये तो नईर बुखारी साहब इसका जवाब दे सकते हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं। उसमें बात ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज की जो रीडिंग ऑफ द बिल है वो हर सेक्शन में क्लॉज बाय क्लॉज की रीडिंग होती है और हर क्लॉज पे वोटिंग होती है, और वंस अगर ये वोटिंग हो गई है तो मैं नहीं समझता था उस पर दोबारा वोटिंग की कोई जरूरत थी, या तो फिर कोई फ्रेश मोशन मूव हुआ, या तो कोई फ्रेश मोशन मूव हुआ। सरदार साहब आप क्या कह रहे हैं? कन्फ्यूजन, उस मोशन पे जो है वो वोट हुआ, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन एक और बात भी है कि इत्तेहाद साहब ने भी कोई जो है उसमें अमेंडमेंट मूव किया, यही मूव की कि नाहल नहीं बन सकते पार्टी के सदस्य, बाकी जो है फिर वही, यानी इसमें कन्फ्यूजन से फायदा उठाया। सरदार साहब आपको क्या समझ में आया? आप तो एंजॉय कर रहे हैं सदर PMLN के ये अपोजिशन बिखरी हुई है, आपको फायदा मिला। बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त ये हुआ था, हमारा एक लेडी मेंबर जो है वो सीट पर नहीं थी, वो सीट से हट के तो फिर इस पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ कि चूंकि ये सीट पर नहीं है तो इसको काउंट कैसे किया गया। तो रजा रबानी ने कहा अब तो मैंने जो है इसका फैसला कर दिया, दोबारा मैं काउंटिंग नहीं करूँगा। तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है आपको इख्तियार है, मगर इस वक्त आप हाउस को इख्तियार दें, हाउस क्या चाहता है। अगर हाउस कहता है कि इस सेंस क्या है, ये हालत देख के दोबारा वोटिंग कराना चाहते हैं कि नहीं, तो उस पर हाउस ने कहा कि हाँ वोटिंग होनी चाहिए। रजा रबानी ने कहा कि मैं फिर
उठता हूँ फिर ये डिप्टी चेयरमैन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस दो चीज जाहिर होती है। एक तो ये था कि बावजूद तमाम क्राइसिस के पीएमएलएन अभी भी जो है मतलब इतनी इफेक्टिव है कि जो है जो प्लान के तहत किया उन्होंने कर दिया, क्योंकि बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता था। दे मस्ट बी नोइंग कि ये होना है, जिसकी वजह से आमतौर पे पीएमएलएन के लोग जो है इसमें पार्लियामेंट में अपोजिशन एक पेज पे नहीं थी, अपोजिशन एक पेज पे नहीं थी, हम ये सुनते थे कि अपोजिशन और कोई और है एक पेज पे नहीं है। सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग जो थी वो ये थी, वो जो एमक्यूएम का वोट था वो असल बात अतीक साहब का वोट। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं क्विकली एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अगर सेनेट के अंदर पीएमएलएन सक्सेसफुल हो सकती है, अब जो मियां साहब वापस आए हैं और वो दोबारा सदर भी बन जाएंगे अपनी पार्टी के, तो फिर तो पीएमएलएन जो है वो सही तरीके से खेल रही है अपने कार्ड्स, कौन कहां गलत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल असेंबली में अब ये शिक जाएगी और नेचुरली इसका फायदा पीएमएलएन को होगा और नवाज शरीफ साहब को होगा, जो कि इसके अब अपनी पार्टी के सरबरा बन सकते हैं दोबारा। मैं क्विकली बुखारी साहब, अब जबकि मियां साहब बनने जा रहे हैं एक दफा फिर सदर, और अब कोई कदगन रहेगी भी नहीं जब नेशनल असेंबली में पास हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये पीएमएलएन को सूट करेगा, फायदा देगा, अब जबकि वो वापस भी आगे कहा जा रहा था वापस नहीं आएंगे। ऑब्वियसली मतलब अब तो मियां साहब पे जो वो कदगन थी कि वो पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं बन सकते, वो जो पुराना लॉ अब आज भी वो एग्जिस्ट करता है, जब तक ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता ये नया लॉ जो है तो तभी रिपील होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है सरदार साहब से, ये क्या रीज़न क्या है कि आपने ये प्रोविजन को डिलीट किया या रिपील करने, आपने बाकी इन्होंने डाला ही नहीं था उसमें। मैं मेरा एक सवाल है इनसे, हाँ, हाँ। कि पीएमएलएन से सवाल है कि वो रीज़न बता दे कौम को या लेजिस्लेटर्स को बता दे कि आपने ये जो प्रोविजन थी इसको इस कानून में क्यों नहीं डाला। और मेरा एक सवाल है कि इतजाज साहब ने क्यों डाला। ये एक मेरा सवाल है। वो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाई जाती हैं, अल्टीमेटली टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, ऑब्जेक्ट तो यही होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज का। जिस पॉलिटिकल पार्टी का हेड एलिजिबल ना हो, क्वालिफाइड ना हो पार्लियामेंट जाने के लिए, और वो अपने बाकी बंदों को भेजता रहे, फिर कल तो हर जो कन्विक्टेड आदमी है जी, कल जो डिसक्वालिफाइड है एलिजिबल नहीं है वो पार्टी बना ले और कह जी अच्छा जी मैं खुद तो पार्लियामेंट में नहीं जाते, तो ऐसे ही है ना, आप कोई टीम बना ले और 11 बंदों की टीम होती है, एक कप्तान होता है, कप्तान कैसा मैं नहीं जाता, वो जो एक्स्ट्राज है वो चला जाए, मैं बाहर बैठ के देखूंगा और टीम खेले, और कप्तान जो है के बगैर टीम ग्राउंड में जाए, क्रिकेट की हो हॉकी की हो, सेम इज द केस जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड पार्लियामेंट ने जरूरी समझा कि इसको मेंशन किया जाए, और चूंकि वो सेनेट में मंजूर करा सकते थे तो इसलिए उसको मेजोरिटी में थे ना, पोजीशन मेजोरिटी में थी वहां पे, तो वो हो सकता था। पर मुझे समझ नहीं आई कि ये प्रोविजन डिलीट ये है, डिलीट क्यों हुआ, ये मुझे क्यों निकाला, असल में ये शिक कह रही है मुझे क्यों निकाला। पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, तो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है वो कभी अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं इस पर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन आपको दे रहा जी, मैं संजय साहब आपके पास आती हूँ जी। बात ये है ना कि अब देखें कि जब नवाज शरीफ हमारे प्रेजिडेंट बनेंगे तो एक साइड हमारा बिल्कुल सेफ हो जाएगा ना, पॉलिटिकल साइड जो है वो पार्टी संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया इसी तरह, ठीक है वो कोर्ट की बात तो फिर अलग है, वो तो हम हर बात मान रहे हैं चाहे वो हमारे तावजात है, मगर मान तो रहे हैं सारे फैसले मान रहे हैं। मगर ये है कि अभी हम नवाज शरीफ को जब सदर बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमारे सर से हट जाएगा, बाकी जितने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़े न लड़े पार्टी को मुनज़्ज़म कर देंगे, पार्टी को यूनाइटेड रख पाएंगे, यूनाइटेड कर देंगे, और उसके बगैर, और देखें जब जैसा कि हम आप सब देख रहे हैं ना कि बगैर उस खानदान के, जैसे भुट्टो खानदान है, इससे अगर ये बाहर चली जाए बात तो पार्टी नहीं रहती, तो इसी तरह मियां साहब, इसी तरह मियां साहब, और फिर जब खुद मियां साहब उसका सरबरा हो जाए तो फिर तो फायदा ही फायदा है। जाहिद साहब, लेकिन ये अजीब सी बात मालूम है, हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि जो है एक जो है कि हम, आप खुद एक सियासी पार्टी हो के आपका बड़ा तजुर्बा भी है, सियासत में रहे अपने तौर पर रहे, लेकिन ये तो बहुत अजीब सी बात मालूम होती है ना कि खानदान से अगर हट के सियासत आ जाती है तो वो खराब हो जाती है। लेकिन मैं थोड़ी सी इससे हट के बात करना चाहता हूँ
कि एक तो ये था कि ये तो मतलब मैं नैयर बुखारी साहब से एग्री करता हूँ कि जो है जो पर्सनल बेस्ड जो है लेजिस्लेशन इज़ ए बैड लेजिस्लेशन, नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है यहाँ पे जो है एक जो अब अल्ताफ़ हुसैन जो है, अल्ताफ़ हुसैन के पास कोई उदा नहीं है और ना ही तो है उसमें, यानी अभी की बात नहीं, अब तो खैर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, 20 साल से वो बंदा यानी हज़ारों केसेस में मतलूब था और वो जो है वो पार्टी उसकी तहत इतनी ज्यादा थी कि वो रात को सोते हुए जो है वो किसी को ऑर्डर करता था। लेकिन एक कल्चर जो है ना ये खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं सेक्टर साहब जी, उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक आगे जैसे याकूब साहब ने बात की, खुशी से दे रहे हैं कि मैं सदारत देता हूँ आपको, ये तो नहीं होता आप पार्टी के अंदर कम से कम। सेक्टर साहब आप कुछ कहना चाहे थे जी? जी रोमान साहब, ये कह रहा था कि जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जी ये एक हमने उस दिन एक काला कानून पास किया विच इज वेरी शेमफुल अस कि हम ऑन आर पार्ट, अफसोस है कि मैं सेनेटर वहां बैठा था और ये कानून वहां पास हो रहा था, 60 वाला पास हुआ जो वेल्थ टैक्स में हमने एग्जेम्प्ट कर दिया सबको, फिर उसके बाद ये दूसरा 203 वाला पास किया जिस नायल प्रेसिडेंट के ऊपर आप वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सारा कुछ मेरा अपने, मैं इसको 100% चल, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोपहर के सेशन में जब होता रहा जाता मेरे साथ, मैं आकर अटेंड करता, वोट देता, शायद हम जीत जाते, शायद जो प्रिसाइड कर रहा था वो खैर वो भी हम फिर भी ना देता क्योंकि वो स्प्लिट हो जाता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वोट आ जाता वो हमारे अगेंस्ट आता। बहरहाल जो हुआ अफसोस मुझे बहुत ज्यादा, उसके मैं मौजूद नहीं था, काश होता, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको बिल्कुल, जब एक्ट पास हो जाएगा प्रेसिडेंट इसको पास साइन ऑफ करेगा, देन यू कैन चैलेंज दिस इन द सुप्रीम कोर्ट, आई वुड 100% चैलेंज दिस, पार्टी के साथ मशवरा करने के बाद इसको 100% मैं चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट। आप इसको करेंगे सुप्रीम कोर्ट में खुद, आप खुद सेंटर साहब, अच्छा आप खुद इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ठीक, मैं खुद इसको चैलेंज करूंगा क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, उस दिन जो आप तो नहीं थे, मैं जो देख के आ रहा था सीन क्या हो रहा था, मिनिस्टर उठकर आते हैं, एक एक मिनिस्टर के साथ तीन मिनिस्टर बैठते हैं, उसको कुछ विस्परिंग होती है, दूसरा होता है फाटा वाले लोग, निक ऑफ द मोमेंट 5 सेकंड बिफोर काउंट, वो 1.5 घंटा मीटिंग हुई उसके आते हैं, ये क्या हो रहा है, ये कोई आपने वो जो सही उसने कहा रजा रमानी, यू नो व्हाट ही कॉल्ड इट, ही सेड ये कोई रजवाड़ा है, द वर्ड रजवाड़ा ही यूज्ड एंड आई एग्री विद हिम, इट वॉज अ रजवाड़ा, जिस तरह वो सारी सियासी पार्टी को सूट करती है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि नाहल जो भी सरबरा होगा आगे हो सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है ना पार्टी के अंदर नहीं है, किसी भी पार्टी के अंदर नहीं, जब आपने खुद तस्लीम करते हैं कि उस खानदान से बाहर अगर सियासत जाती है तो फिर सियासत हमारी वो ताकत नहीं रहती है, ये सब पार्टी को साथ हो रहा है, वोट बैंक है ना, वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ वोट बैंक है, बात ये देखिए फिर उसको कभी जब तक ये चीज तब्दील नहीं होगी, मैं मानता हूं इस वक्त भी जो है अगर हकीकत देखा जाए तो उसको है, लेकिन मसला ये है कि क्या इस तरह से 30-35 35-35 साल से जो लोग पार्टी में है, मैं दोनों मुतालिक बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी के मुतालिक बात करता हूँ, कि ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मैंने 40 साल पे उससे पार्टी की जिंदगी रही है और आगे रही है, तो वो बिलावल के आगे अगर जाके जो जिस तरह से बैठ के बात करते हैं तो वो शर्मिंदगी की बात बन के आती है, इसी तरह से जो है ये जो आप बात कर रहे हैं आपकी आपकी पार्टी में तो सबसे ज्यादा लोग सीजन मौजूद है, अच्छा दूसरी बात इनकी पार्टी में तो रिजिस्ट किया है मरियम को, इस पे मैं बात करती हूँ वैसे, बाय द वे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे कि मियां साहब वापस आए हैं, चौधरी निसार साहब से लंबी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं, क्या माइनस मरियम पे भी बात हुई है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, हम बात कर रहे थे अब चूंकि मियां साहब ने कल जाना है और एहतसाब अदालत के सामने पेश होना है, तो सूरत हाल क्या बनेगी, क्या नजर आ रहा है सरदार साहब? एक तो खैर इलेक्शन तो बाद में, अब जब लॉ बन जाएगा उसके बाद वो सदर बनेंगे, पहले आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि कल कारकुन नहीं जाएंगे और जो जाएगा उसको रोका नहीं जाएगा, मियां साहब ने फेस करने का पूरा इरादा कर लिया, जेल भी जा सकते हैं, इसीलिए तो वापसी का फैसला हुआ है, वो फेस करेगा अपने सारे केस लड़ेगा और चाहे जेल जाए चाहे जैसा भी हो, तो वो इसके बगैर देखें बिल्कुल सियासत से वो आउट हो जाएंगे, जब वो आउट हो गए तो ज्यादा वाली बात है फिर तो हमारी सारी पार्टी आउट हो जाएगी, हमने तो पहले से देखे जब मियां साहब वहीं थे नहीं आ रहे, ये यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई ना पार्टी के अंदर, शुरू हो गई ना कि माइनस मरियम और फलाना और ये वो,
मगर अब जब वो वापस आ गए हालात बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने मना लिया शहबाज साहब ने कि आप ही आए और पार्टी को संभाले, इसका मतलब है कि खुद फैसला किया, मनाया, वहाँ पे मशवरा हुआ और वापस आए हैं और बिल्कुल कम्प्लीटली सही तौर पे आए हैं और मुकाबला करेंगे। तो चौधरी निसार ग्रुप ने ये कहा कि भाई मरियम साहिबा का अब रोल नहीं होगा, उस पर एग्री नहीं। अब तो वो बात ही खुद ब खुद जो है वो बात जो है खत्म हो जाती है ना। अब ये देखे मियाँ साहब और चौधरी निसार मिले हैं आपस में, हमें तो मालूम नहीं क्या बात हुई है, मगर ये है कि इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ को ही आगे लाना है। अब जब ये नेशनल असम्बली से पास होगा, सदर साहब उसकी अप्रूवल देंगे, तो आखिर तो नवाज शरीफ को ही सदर बनाएंगे। चाहे वो दूसरों के नज़र में नायल है, पार्टी की नज़र में तो बिल्कुल नायल नहीं है। बिल्कुल पार्टी तो बिल्कुल हम तो उसको बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। एक केस जो है ना अभी तक नहीं खुला, नेब में अभी कैसे चलेंगे, एक तनख्वाह पे बैठे वाले तनख्वाह पे, ये पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में ये बात चल रही है। हम तो ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, वकील साहिबान बैठे हुए हैं। तो अभी तक कौन सा केस, कौन सा उस पे जो है करप्शन का, कौन सा जो है वो साहब, एक सवाल है ये इम्पोर्टेंट है वैसे कि अगर वो जेल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ तय नहीं हुआ और अगर मतलब बहुत सारी चीजें कही जा रही है ना कि ऑफ द कफ ये बात हो गई तो इसलिए वापस आए, ये बात हो गई हमें नहीं पता उसमें, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो फिर तो मियां नवाज शरीफ और ज्यादा मजबूत होकर सामने। आसमा अभी भी मैं बताऊं, जो आज इसहाक डार पेश हुए नैब कोर्ट में और कल मियां साहब पेश हो रहे हैं, इनको तो पहले ही बड़ा लेटिट्यूड मिल रहा है। हमारे खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टार्ट होती थी तो हमारे बंदों को कस्टडी में ले लिया जाता था, प्रेजेंट जरदारी हों या यूसुफ़ा गिलानी हों या और हमारे मेंबर। आप तो सादिक अमीन हो गए, आपको अभी क्या परवाह है। मुझे इसमें देखिए, ये मुझे नहीं समझ आती ये नैब कोर्ट ने ये बेल बॉन्ड्स लिए कैसे। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं जिनकी सजा 14 साल से और 14 साल से भी ज़्यादा है, 14 ईयर्स है, किसी की जगह 10 ईयर्स है। तो ये तो नैब कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, ऑलरेडी इनको लेटिट्यूड दिया हुआ है, नैब के चेयरमैन ने लेटिट्यूड दिया हुआ है, बाकी किसी का रेफरेंस जाता है या इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन शुरू होता है। आप कह रहे हैं नरम रवैया है, बिल्कुल नरम रवैया है। और ये जो इनको बेल बॉन्ड्स लिए हैं इसहाक डार के, और कल कौन इनको जेल भेजेगा, मुचलका दे दो जी, ये बेलेबल ऑफेंस है कि आप मुचलका लेके उसको कहते हैं अच्छा जी के केस बुक, तो ये पहले ही इनके साथ बड़ी रियायत और मुरव्वत बरती जा रही है। सही, अच्छा इस सेंटर साहब ये इम्पोर्टेंट बात है, और आपको मालूम है कि खान साहब के खिलाफ भी कुछ केसेस हैं, मतलब जाहिर है कि हम तो शक की निगाह से हर चीज को देखते हैं ना, अगर हम ये देखें कि खान साहब के खिलाफ कोई फैसला हो जाता है तो क्या होगा। परसों एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, मैं आपका ओपिनियन उस पर चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ कहा, वो जरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, जरा सुनाइएगा। एक इंसाफ है भी दार दार लोगों को नवाजा तो कौन को मायूसी होगी। अपनी क्यादत से मशवरा होगा, मैं क्यादतदारी से इमरान खान को इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं, इस कन्वेंशन में वादा करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे। सर साहब वो कह रहे हैं कि मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों को जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी करवाएं और करें जो कि आपकी पार्टी के अंदर हैं। इससे पहले कुरैशी साहब ने कभी ये लबो लहजा इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई के अंदर भी कोई सेकंड लीडरशिप जो है वो एम्पावर होने की कोशिश कर रही है नुमान साहब? इसके आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं। मैं एक पीटीआई का सेनेटर हूं, आई एम ट्रू, आई कंसीडर माय सेल्फ अ ट्रू फेस ऑफ पीटीआई। व्हाई? एक तो हमारी इंटेग्रिटी और हमारा करप्शन इज बियॉन्ड आवर डाउट, ऊपर से मैं पढ़ा लिखा पठान फौजी सियासतदान हूं। सीधी सीधी बात कर दो, सीधी बात क्या है, मेजॉरिटी ऑफ योर पॉलिटिशियन 90% ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस आर करप्ट फाइनेंशियली और गिवन एन अपॉर्चुनिटी वो करप्शन में इंडल्ज करेंगे। मसला कहां आता है, जब ऐसे केसेस जब होते हैं हमारा प्रोसिक्यूशन बड़ा वीक होता है, हम उसके पास अगेंस्ट एविडेंस, जैसे अभी नैब पे भी केस है ये नवाज शरीफ वगैरह का, इसके अंदर एविडेंस सामने ठीक नहीं आता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस सही बिल्डअप नहीं करता है और वो टेस्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता है। मसला हमारा यहाँ है, जब तक ये चलता रहेगा इस तरह सिस्टम तो इसी तरह लोग स्कॉट फ्री जाते रहेंगे। तो सर यही बात तो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर भी दागदार लोग हैं और वो कहां कहूटा में ये बात कर रहे हैं, कहूटा के लोगों से बात ये कर रहे हैं और मैं वादा करता हूं कि इनको अलग करवाऊंगा मरी के हवाले से। तो आप इसका तो मतलब ये कि पीटीआई भी उन्हीं करप्ट लोगों को या सियासतदानों को अपने पास बिठाती है जिनको के अवाम रिजेक्ट करते हैं?
शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये सीधा सीधा एलिज कर रहे हैं अपने चेयरमैन को। जी सेंटर साहब, चाहता हूँ अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो, गवर्नमेंट ठीक हो, अदारे बने, तो फेडरल लेवल पर हुकूमत की काफी आनी चाहिए जो इंटेग्रिटी वाइज ठीक हो। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि खान साहब ऐसे हमारे साथ आदमी है जिसकी इंटेग्रिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है। ये इलेक्शन किस तरह जीतेंगे? वी हैव टू हैव विनिंग पीपल इन आवर पार्टी। विनिंग लोग हमारी पार्टी में होंगे, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूं और खान साहब ने भी गारंटी किया है। जिस दिन हमारा एक मिनिस्टर या हमारा कोई आदमी एक गलती करे उसको ये उठाकर बाहर फेंका जाएगा। हमने हुकूमत आएगी, ये हम आपको कर कर दिखाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनेगी। नहीं मगर सेंटर साहब, वो तो बहुत सारे तो पहले ही जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं वो आपकी पार्टी में आ चुके हैं सर, उनको बाद में कैसे आप निकालेंगे जबकि अभी नहीं निकाल सकते? आप इलेक्टेबल्स को लेके आए तो ये तो सीधा साधा मतलब चले आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन जाहिर साहब बहुत सारे लोग नाअहल हो सकते हैं अगर आप इस सिनेरियो को देखें, आपको क्या लगता है सर? देखिए एक बात तो ये है कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा अलमिया है, पर पीटीआई का अपनी तशख्स बरकरार नहीं रखती है। पहले जो है इन्होंने जो इलेक्शन 2013 में एक नया खून और इसके नारे पे, अब जो है सारा उन्होंने इसलिए कहा कि भाई कि सारे वो आ जाएंगे इलेक्टेबल। इलेक्टेबल में कौन लोग हैं? अगर आपने क्राइटेरियन यही रखा है, जो बहुत सारे चेहरे इनकी पार्टी में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें और दूसरी पार्टी में कोई फ़र्क है। यानी नारे तो सब लगा सकते हैं, मेरे ख्याल कोई भी पार्टी में ऐसा लीडर नहीं होगा जो मैं के जो ये ना कहे कि हम करप्शन से पाक माशरा चाहते हैं। लेकिन बात यह कि जब प्रैक्टिस में हो सकता है, ये बात सही कह रहे हैं वजीर साहब के जो है वो इमरान खान की अपनी शख्सियत हो जो भी हो, लेकिन मसला ये आता है कि फिर आप में जो शक्लें आप देख रहे हैं, यानी जिनके मुताले खान साहब बैठ के जो है वो टीवी प्रोग्राम पर कहा था कि इनके साथ तो मैं चपरासी भी लगाना ना पसंद करूँ, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, वो आजकल के काबिल कबूल हो जाते हैं। मसला ये आता है कि एक पार्टी से छोड़ा बाद, पहले तो सबसे बड़ी बात यह आती है जब एक पार्टी छोड़ के जाता है तो आपने कम से कम ये तो गौर कर लें कि जो है वो पार्टी छोड़ के क्यों गया है दूसरी पार्टी, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि मौका प्रस्तों को फिर तो आपने मौका दिया है कि तो सब हमारे यहाँ जो अलमिया पॉलिटिकल पार्टीज का है जो कि इस किस्म के नारे पे भी आते हैं कि वो जो रिफॉर्म की बात करते हैं पूरा कल्चर तब्दील करते हैं, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता है कि जो है उस कल्चर को तब्दील कर सकें। बिल्कुल सही बात है। आखिरी सवाल सर, डार साहब इस्तीफा दे देंगे अब? इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब अब इस्तीफा का तो हमें इल्म नहीं है, अब मेरे ख्याल में केस पे डिपेंड करेगा, पेशियां भुगत रहा है, पार्टी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। नहीं पार्टी में इस पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इस कितनी बदकिस्मती कि इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर जिसके एसेट्स फ्रीज हो गया बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एग्जीक्यूटिव इनकी अपनी है जी, इसहाक डार तो अपनी तनख्वाह विड्रॉ नहीं कर सकेगा जब उन्होंने ये वो अभी तक वजीर खजाना है, वो अभी तक वजीर खजाना है, और ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि वजीर खजाना अपनी तनख्वाह में डॉट कर दे फैसले तक ऑलरेडी उनको मॉरल अथॉरिटी में एक मिसाल है। ब्रिटिश इल्जाम लगते ही लोग कर देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मिनिस्टर था फॉक्स इनका जो था, सिर्फ एक एलिगेशन हल्का सा था कि कहीं अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया है, डिजाइन किया, बिल्कुल ये आपकी वार्ता। बहरहाल ये जो सारी आइडियलिज्म है ना, ये शायद हो सकता है इलेक्शन पे इलेक्शन हो तो उसके बाद हो। बिल्कुल नुमान साहब जो कह रहे थे सेंटर नुमान वजीर के पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जमात है वो तब्दीली लाएगी, पीएमएलएन कहती है हम तब्दीली लाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती है हम तब्दीली लेके आएंगे। तब्दीली तब आएगी जब पाकिस्तान के निजाम और पाकिस्तान के अवाम के जहनों के अंदर तब्दीली आएगी। आपने वोट करना है क्योंकि ये है फैसला आपका।